दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप एक टाइम लैप्स बना सकते हैं। आपने आज से पहले वीडियो के अंदर टाइम लैप्स देखा होगा। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे टाइम लैप्स, वो भी एक सिंगल फोटो के अंदर। इसको फोटो टाइम लैप्स भी कहा जाता है और इसी अकेली स्किल के ऊपर कई लोगों ने अपना पूरा का पूरा करियर बना दिया है। आप इस स्किल को इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सी ऐसे लैंडस्केप्स के अंदर, बहुत सी ऐसी लोकेशंस के अंदर जहां पर आपको डे और नाइट एक अकेली फोटो के अंदर दिखाना होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है इसका रियल एस्टेट फोटोग्राफी के अंदर, जहां पर आपको मान लो एक बंगलो दिखाना है या फिर एक होटल दिखाना है, वहां पर आपको शूट करना है उस होटल का। फोटो टाइमलैप्स का इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हैं कि दिन में वो प्रॉपर्टी कैसी लगती है, रात में कैसी लगती है और शाम में कैसी लगती है सिंगल फोटो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं गियर की कि आपको क्या चाहिए इस फोटो को शूट करने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए कैमरा, किसी भी तरह का कैमरा हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है आपका या फिर कोई DSLR हो सकता है, मिररलेस हो सकता है, डजंट मैटर, आपको एक कैमरा चाहिए। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको चाहिए ट्राइपॉड। ट्राइपॉड बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको यहाँ पर फ्रेम्स लेने हैं अलग अलग और उन फ्रेम्स की जो पोजीशन है वो जरा सी भी हिलनी नहीं चाहिए। तो शूटिंग के लिए क्या करना है आपको, कोई भी मोड चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मैनुअल मोड पे ही आपको शूट करना है। आई प्रेफर मैनुअल क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3 फोटोज अलग अलग खींचने वाले हैं। अब फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो मुझे ये आइडिया कैसे आया, मैं यहाँ पर एक टाइम लैप्स बना रहा था वीडियो का, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो का टाइम लैप्स बनाते बनाते फोटो टाइम लैप्स का ट्यूटोरियल भी बना दिया जाए। अगर आपको वीडियो टाइम लैप्स का ट्यूटोरियल देखना है तो वो इस वीडियो के बाद में आएगा, यानी कि कमिंग ट्यूसडे को वो वाला ट्यूटोरियल आने वाला है वीडियो टाइम लैप्स का। आपको 3 फोटोज क्लिक करनी है, मैनुअल मोड पे क्लिक कर सकते हैं, प्रोग्राम पे, AV पे, TV पे, जो आपका मन करे। आपको 3 फोटोज क्लिक करनी है सेम लोकेशन की लेकिन अलग अलग टाइमिंग्स के ऊपर। और मैंने यहाँ पे 3 टाइमिंग्स कैप्चर करी, सनसेट की, ट्वाइलाइट की और नाइट की, जहां पर मुझे हल्का सा स्टार भी देखने को मिला स्काई के अंदर। उसके बाद अगला स्टेप है इन फोटोज को लेकर जाना फोटोशॉप के अंदर, और मैं भी आपको मिलता हूँ फोटोशॉप के अंदर और सिखाता हूँ कि फोटोशॉप में किस तरह से इसकी एडिटिंग की जाती है। ये वाला जो रिजल्ट है फाइनल इस तरह से आएगा हमारा डे टू नाइट का। तो लेफ्ट से राइट से आप देख पा रहे हैं जैसे डे था, फिर थोड़ा ट्वाइलाइट का सीन हुआ और फिर यहाँ पर नाइट हो गई, आपको एक स्टार भी दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रांजिशन को किस तरह से बनाया जाए हम लोग वो सीखते हैं। मैंने आपसे कहा था 3 फोटोज क्लिक करने के लिए, तो 3 फोटोज ट्राइपॉड पे ही क्लिक करनी पड़ेगी आपको। उसका रीजन ये है कि तीनों की तीनों फोटोज एक साथ अलाइन होंगी। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा अनग्रुप लेयर्स। आपको क्या करना है, अपनी जो 3 फोटोज आपने खींच रखी थी, मैं आपको एक्चुअल में फोटोज दिखाता हूँ, ये मैंने वीडियो टाइम लैप्स के लिए खींची थी जिसका मैं आपको ट्यूटोरियल ट्यूसडे को देने वाला हूँ। तो इनमें से मैंने 3 फोटोज उठा ली हैं, एक स्टार्टिंग में से, एक थोड़ा सा मिडिल में से और एक जो लास्ट फोटो थी जो एकदम नाइट के टाइम की थी वो उठाई है। तो यहाँ पर फोटोशॉप में मैं उनको इंपोर्ट कर लिया है ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल, और ये तीनों फोटोज़ आपके सामने जैसे अभी दिखाई दे रही हैं एक के ऊपर एक। अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको जाना है व्यू के ऊपर और यहाँ पर देखना है न्यू गाइड लेआउट की तरफ, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नंबर सेलेक्ट करना है 3। जितनी फोटोज़ होंगी उतना ही नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप 3, 4, 6, 10 जितनी मर्जी कर सकते हैं, बट जितनी ज़्यादा फोटोज़ आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको बारीकी से काम करना पड़ेगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल ईजी बनाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ 3 फोटोज़ के साथ में, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके। अब आगे की जो सारी एडिटिंग है वो काम करेगी बेस्ड ऑन लेयर मास्क। अगर आपको लेयर मास्क नहीं पता है तो मैं एक ट्यूटोरियल डाल दूंगा बहुत सिंपल सा लेयर मास्क का। बेसिक रूल लेयर मास्क का ये कहता है कि यहाँ से लेयर मास्क आपका एक्टिवेट होगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो वाइट लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को विजिबल रखेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर वाइट लेयर के ऊपर ब्लैक फिल करना चालू करूँगा तो जो हमारी नीचे वाली लेयर है, यानी कि जो ये वाली लेयर है, ये विजिबल होने लग जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, नीचे वाली लेयर के इस पार्ट को विजिबल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट लेयर मास्क। यहाँ से मैं जाऊँगा मार्कर टूल पे, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, उसके बाद ये वाले पार्ट को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं ओल्ट प्रेस करके और मास्क के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये हमें एक इन्वर्टेड मास्क दे देगा। मतलब जो हमारा एरिया सिलेक्टेड था वहाँ पर ये ब्लैक कलर फिल कर देगा ताकि हमें नीचे वाली लेयर्स दिखने लग जाए। उसके बाद मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट लेयर, मैं फिर से एक सिलेक्शन बनाऊंगा अपने लास्ट वाले पार्ट की तरफ। यहाँ पर सिलेक्शन बनाने के बाद मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करूँगा और लेयर मास्क के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा ये मुझे इसके नीचे वाली लेयर को विजिबल दिखा देगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर फिल हो चुका है, इसमें ये वाला पार्ट ब्लैक हुआ है और इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन ब्लैक हुआ है। तो मुझे अभी तीनों लेयर्स दिखने लग गई हैं। आप चाहें तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, व्यू पे जाके आप क्लियर गाइड्स करेंगे तो ये गाइड्स हट जाएंगी,
तो आप चाहें तो इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं इस लेयर को। ये डे टू नाइट ट्रांजिशन दिखा रहा है, ये भी फोटोज इस तरह से अच्छी लगती हैं। अगर आपको इन एजेस को और ज़्यादा स्मूथ करना है तो उसके लिए हम एक स्टेप फर्दर जाएंगे इस एडिटिंग के अंदर। सबसे पहले मैं ऊपर वाले लेयर के ऊपर जाऊंगा और लेयर मास्क सेलेक्ट करूंगा। मेक श्योर लेयर मास्क ही सेलेक्ट हो आपका। अगर आप लेयर पे सेलेक्ट होंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, आपको लेयर मास्क ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है फिल्टर के अंदर और ब्लर के अंदर, गोजियन ब्लर के अंदर। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी थी क्योंकि मैंने एडिटिंग करके देखी थी इससे पहले। यहाँ पर मेरा 424 वैल्यू सिलेक्टेड है, आपकी हो सकता है यहाँ पर 1.4 तक रेडियस हो, लेकिन इसको इंक्रीज़ करके देखते रहिए और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपकी जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर होनी चालू हो जाएगी। और मेरे लिए वो पॉइंट कुछ इस तरह का था, ये दोनों की दोनों लेयर्स जो है आपस में मर्ज होनी चालू हो गई। मैं 400 करके देखता हूँ कितना बैठ रहा है ये, और 400 पे मेरा ये लेयर एकदम सही आया, तो मैंने इसको 400 तक मर्ज कर दिया। उसके बाद मैं नीचे वाले लेयर मास्क के ऊपर जाऊँगा और फिल्टर में जाऊँगा। अब की बार मुझे पता है कि मुझे कितना गोजियन ब्लर चाहिए, तो यहाँ से मैं जो पुराना गोजियन ब्लर है उसको ही सिलेक्ट कर लूँगा और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया पुरानी वैल्यू जो हमने 400 रखी थी। तो अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक पूरी की पूरी स्मूथ ट्रांजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है डे टू नाइट की तरफ। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, आप इसको राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं या लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों लेयर का सिलेक्शन बनाना है और उसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पर करना है ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। ये आपसे ग्रुप का नाम पूछेगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फाइनल एडिटिंग, ओके कर दीजिए। उसके बाद इस ग्रुप का एक डुप्लीकेट बनाना है, इसको हम देंगे कंट्रोल जे से डुप्लीकेट। राइट क्लिक करेंगे इस ग्रुप पे और यहाँ पर करेंगे मर्ज ग्रुप, तो ये आपको एक अलग से लेयर दे देगा। अब इस लेयर के अंदर हम लोग करेंगे एडिटिंग। हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे और कैमरा रो फिल्टर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक सी एडिटिंग यहाँ पर हम करके देखेंगे। हल्की सी मैं शेडोज इंक्रीज करके देखूंगा, हाईलाइट्स के साथ में कुछ छेड़छाड़ करूंगा, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करूंगा यहाँ पर मैं, क्लैरिटी हल्की सी कम करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द फाइल साइज मुझे किस तरह का देखने को मिल रहा है। सैचुरेशन के साथ में चेंजेस करूंगा, कर्व्स को ऊपर नीचे करके देख सकता हूं मैं, मेक श्योर कि ज़्यादा कलर्स आपके ब्लेंड ना हो। अभी मुझे एक स्मूथ ट्रांजिशन यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग फ्रेम की बात करें यहां पर, तो फ्रेम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था मेरे सामने, बट हाँ ट्यूटोरियल के लिए तो एकदम सही है। तो इसके बाद आपको फाइनल टचअप देने के बाद में क्या करना है, फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट एज, और उसके बाद में यहाँ से आपको एक हाई रेजोल्यूशन जेपेग फाइल 100% क्वालिटी के ऊपर एक्सपोर्ट कर देनी है और अपना जो फोल्डर है वहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं, एडिटिंग डे टू नाइट सेव कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपको फाइनल इमेज है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फोटो टाइम लैप्स। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप मोबाइल से प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।